भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर अपने यूजर्स के खातों की सुरक्षा को लेकर ग्राहकों को अलर्ट और अपने सिस्टम को अपडेट करता रहता है। और इसी कड़ी में SBI ने अपने सिस्टम में कुछ बड़ा अपडेट किया है जो सभी ग्राहकों को जानना जरूरी है। नंबर एक, नेट बैंकिंग ओपन में OTP अनिवार्य। SBI ने ये अपडेट कुछ दिन पहले ही किया था। इससे पहले नेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड डालने से ओपन किया जा सकता था, लेकिन अब यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साथ यूजर्स को OTP भी डालना होगा, इसके बाद नेट बैंकिंग ओपन होगी। ये सिक्योरिटी को लेकर किया गया एक काफ़ी बड़ा अपडेट है जो ग्राहकों को ऑनलाइन ठगी से भी बचाएगा। नंबर दो, अब ग्राहकों को हर 90 दिन से करने होंगे अपने पासवर्ड चेंज। यह SBI द्वारा हाल ही में किया गया एक बड़ा अपडेट है। अब SBI के सभी ग्राहकों को हर 90 दिन यानी हर 3 महीने से अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड चेंज करने होंगे, अन्यथा नेट बैंकिंग और योनो दोनों का यूज नहीं कर पाएंगे। नंबर तीन, योनो एप्लीकेशन को लेकर बड़ा अपडेट। अब SBI का ऑफिशियल ऐप योनो मोबाइल एंड्रॉयड 9 के नीचे के वर्जन में नहीं चलेगा। मतलब अब SBI योनो यूज़ करने के लिए ग्राहक को एंड्रॉयड 9 या फिर उसके ऊपर के वर्जन के मोबाइल का यूज करना होगा। नंबर चार, मोबाइल नंबर चेंज को लेकर बड़ा अपडेट। SBI बैंक द्वारा ग्राहकों को ATM कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा मोबाइल नंबर चेंज करने का जो ऑप्शन दिया गया था उसे अब बंद कर दिया गया है। मतलब अब SBI के किसी भी ग्राहक को अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो उसे अपनी होम ब्रांच में ही कॉन्टेक्ट करना होगा और वहां पर जाकर एप्लीकेशन देकर ही वह अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकता है। और ये थे SBI के कुछ खट्टे मीठे अपडेट। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे लगे तो शेयर करके अपनों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद।